सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिल मिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमलाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर मणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व, कविता और क्रांति। देशपांडे जी मुझे क्षमा करें, मेरा भी परिचय कराया गया है शाहिर के रूप में। कविता और भ्रांति तो साथ साथ चल सकती है, मगर कविता और क्रांति का साथ चलना बहुत मुश्किल है। कविता माने कल्पना, शब्दों के संसार का सृजन, ऊंची उड़ान, और कभी कभी ऊंची उड़ान में अगर धरातल से पांव उठ जाए, वास्तविकता से नाता टूट जाए, तो कवि को शिकायत नहीं होगी, उसके आलोचक भी इस बात के लिए उसकी टीका नहीं करेंगे। मगर सावरकर जी का कवि ऊंची से ऊंची उड़ान भरता था। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी।